बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं उर्दू ज़बान की दूसरी किताब। उर्दू ज़बान की कायदा और उर्दू ज़बान की पहली किताब मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। और आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं उर्दू ज़बान की दूसरी किताब। तो आइए आज का सबक शुरू करती हूँ। ये है सबक नंबर 3, आफ्ताब। आफ्ताब माने क्या होता है? सूरज। आफ्ताब माने क्या होता है? सूरज। तो आइए एक बार आफ्ताब लिखकर देख लेते हैं। यह है अलिफ और इस पर मद लगा, अलिफ मद आ फे ते का सोसा बनाया और ये लगा दिया अलिफ। ये फे का एक नुक्ता दिया, ते का दो नुक्ता दिया और यहाँ लिखा बे, आफ्ताब। आफ्ताब मीन्स क्या होता है? सूरज। सुबह का वक्त भी क्या सुहाना समा है, आँखों को नूर दिल को सुरूर हासिल होता है। सुबह का वक्त, साग बेहब, सुबह का काफलिफ का वक्त, व काफते वक्त भी क्या सुहाना समा है, यानी सुबह का जो वक्त होता है बड़ा खूबसूरत होता, दिल को बड़ा भला मालूम, आँखों को नूर दिल को सुरूर हासिल होता है, यानी आँखों को नूर, आँखों को रोशनी मिलती है और दिल को सुरूर यानी दिल में खुशी मिलती है, सुरूर यानी खुशी। आओ किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर आफ्ताब के तुलू होने का तमाशा देखें। आओ किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर आफ्ताब यानी जो सूरज तुलू हो रहा है, जो सूरज निकल रहा है, तुलू होना यानी निकलना, जो सूरज निकल रहा है उसका तमाशा देखें। देखना मशरिक में क्या गोल सुनहरा तबाक सा नज़र आता है, क्या खुशनुमा मालूम होता है। मशीक यानी ईस्ट, जब सूरज निकलता है तो ईस्ट से निकलता है यानी मशीक से निकलता है और मगरिब में डूब जाता है यानी वेस्ट में डूब जाता है। तो देखना मशरिक में क्या गोल सुनहरा तबाक सा नज़र आता है, जब सूरज निकलता है तो बड़ा सा गोल सा नज़र आता है जो बिल्कुल गोल्डन कलर का होता है, सुनहरा होता है। क्या खुशनुमा मालूम होता है यानी बड़ा खूबसूरत मालूम होता है, खुशनुमा यानी खूबसूरत मालूम होता है, आँखों का बड़ा अच्छा लगता है देखने में। ना धूप है ना गर्मी, ना आँखों में चकाचौंध होती, अभी शुआएं ऊंची हवा में फैल रही हैं। शुआएं यानी उसके किरण, सूरज की किरण क्या है? ऊंची हवा में फैल रही हैं, इसी से उजाला हो रहा है। अब कोई दम में पहाड़ की चोटियों पर, बुलंद मीनारों पर, ऊंची दीवारों पर, दरख्तों की फंगलों पर चमकेंगी। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगी। तिरछी शुआएं धीमी होती हैं, जो जो आफ्ताब बुलंद होता है शुआएं सीधी पड़ती हैं। जब तिरछी शुआएं होती हैं, तिरछी जो सूरज की किरण होती है वो क्या है? जो आफ्ताब बुलंद होता है शुआएं सीधी पड़ती हैं, तेज़ी और गर्मी बढ़ती जाती है, ठीक दोपहर में सब वक्तों से ज़्यादा तेज़ होती। जो जो दिन ढलता है धूप मध्यम पड़ जाती है, शाम को मगरिब में वही कैफियत नज़र आती है। जो सुबह को मशरिक में देखते हो वही गोल गोल सुनहरी थाली सी दिखा, शाम में जब सूरज डूबने लगता है मगरिब की तरफ तो सुबह वाली कैफियत नज़र आती है, यानी बहुत बड़ा सा गोल सा सुनहरा थाली नज़र आता है। अब वो बेदम नीचे को बैठती हुई मालूम होती है, आखिर नज़रों से गायब हो जाती है। आफ्ताब एक बड़ा भारी गोला है, यानी सूरज क्या है? एक बड़ा भारी गोला है, इसके आगे हमारी ज़मीन की कुछ हकीकत नहीं, वो हमसे नहायत दूर फासला पर है, इसी वास्ते इतना छोटा नज़र आता है। वो भड़कते हुए शोलों के मानिंद गर्म और रोशन है, इसकी रोशनी से और गर्मी से इंसान, हैवान और दरख्त सब जिंदा और कायम हैं, इसी की गर्मी हवाएं चलाती हैं, मिना बरसाती हैं, मिना यानी बारिश बरसाती हैं, खेतों में गल्ला और बागों में फल पकाती हैं, इसकी रोशनी से फूल और फलों में रंगत आती है। आप हमारे साथ साथ पढ़ें और इसे कई बार पढ़ें और कई बार लिखें। मैंने कई बार आपको पहले ही बताया है कि आप इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, खूब अच्छे से पढ़ें,
ताकि आपको पढ़ना और लिखना बहुत जल्द आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या है, सब कुछ बहुत जल्दी इंसान सीख सकता है। तो आप इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करें, लिखने की प्रैक्टिस करें, उसके बाद देखिए आपको उर्दू कितनी जल्दी आती है। तो आप अगर उर्दू हमारे साथ सीख रहे हैं तो आपने कितना सीखा है और आपको कितना लिखना पढ़ना आया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सरूर यानी होता है खुशी, मगरिब यानी वेस्ट, जिधर सूरज डूबता है, रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे, शुआ यानी किरण, सूरज की किरण, खुशनुमा यानी खूबसूरत दिखना, मशरक यानी ईस्ट, गायब यानी डूब जाना, गायब हो जाना, तबाक यानी बहुत बड़ा सा, तुलू यानी शोला यानी आग जो लगता है, इसकी जो शुआएं ऊपर उठती है उसे शोला कहते हैं। आइए इस सबक को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं रवानी के साथ। आफ्ताब यानी सूरज, सुबह का वक्त भी क्या सुहाना समा है, आँखों को नूर, दिल को सुरूर हासिल होता है, आओ किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर आफ्ताब के तुलू होने का तमाशा देखें। देखना मशरिक में क्या गोल सुनहरा तबाक सा नज़र आता है, क्या खुशनुमा मालूम होता है, ना धूप है ना गर्मी, ना आँखों में चकाचौंध होती है, अभी शुआएं ऊंची हवा में फैल रही हैं, इसी से उजाला हो रहा है, अब कोई दम में पहाड़ की चोटियों पर, बुलंद मीनारों पर, ऊंची दीवारों पर, दरख्तों की फंगलों पर चमकेंगी, रफ्ता रफ्ता तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगी, तिरछी शुआएं धीमी होती हैं, जो जो आफ्ताब बुलंद होता है शुआएं सीधी पड़ती हैं, तेज़ी और गर्मी बढ़ती जाती है, ठीक दोपहर में सब वक्तों से ज़्यादा तेज़ होती है, जो जो दिन ढलता है धूप मध्यम पड़ जाती है, शाम को मगरिब में वही कैफियत नज़र आती है जो सुबह को मशरिक में देखते हो, वही गोल गोल सुनहरी थाली सी दिखाई देती है, अब वो बेदम नीचे को बैठती हुई मालूम होती है, आखिर नज़रों से गायब हो जाती है। आफ्ताब एक बड़ा भारी गोला है, इसके आगे हमारी ज़मीन की कुछ हकीकत नहीं, वो हमसे नहायत दूर फासला पर है, इसी वास्ते इतना छोटा नज़र आता है, वो भड़कते हुए शोले की मानिंद गर्म और रोशन है, इसकी रोशनी से और गर्मी से इंसान, हैवान और दरख्त सब जिंदा और कायम हैं, इसी की गर्मी हवाएं चलाती हैं, मिना बरसाती है, खेतों में गल्ला और बागों में फल पकाती हैं, इसकी रोशनी से फूल और फलों में रंगत आती है। सुरूर यानी खुशी, मगरिब यानी वेस्ट, रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे, शुआ यानी किरण, सूरज की किरण, खुशनुमा यानी खूबसूरत मालूम होना, मशरिक यानी ईस्ट, गायब होना यानी छुप जाना, नज़र नहीं आना, तबाक यानी बहुत बड़ा सा, तुलू यानी शोला, जब आग लगती है तो आग क्या है, बिल्कुल ऊपर की तरफ उठती है, तो उसे शोला कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुशनुमा।